फैसला चाहे जो है, एक तरफ ये बात विरोधाभास मुझे लग रहा है। विरोधाभास नहीं है, क्योंकि पहले ही बाबरी मस्जिद वहाँ थी, और जैसे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और तमाम जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने अपने दस्तावेज वहाँ पेश कर दिए थे, और वो दस्तावेज कोर्ट के अंदर हैं, और जब मस्जिद वहाँ बनी थी तो मस्जिद वहीं बनेगी कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट या नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, जब मानेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे मस्जिद बनने के लिए ऑर्डर करे, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के दबाव में आकर के, सरकार के दबाव में आकर के फैसला करता है तो हम उसको नहीं मानेंगे, जैसे कि हमने SC ST एक्ट में भी नहीं माना, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को हम हनन नहीं होने देंगे। बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहीं बनेगी, ये मैं जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, सभी को भीमसेना समस्त भारत संगठन की तरफ से मेरा एक आश्वासन है और वादा है। भीमसेना समस्त भारत संगठन जो वादा करता है उसको निभाता है। जैसे हमने SC ST एक्ट को बहाल किया, ऐसे ही बाबरी मस्जिद भी वहीं बनेगी, चाहे कोई कितने जोर लगा ले। 2019 में दलितों का कोई भी वोट नहीं बटेगा। जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, सभी संगठनों को साथ लेकर के हम काम कर रहे हैं, और अभी बल्कि हम 24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश औरैया के उस मध्य प्रदेश बोतेल के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ भी तमाम 70 संगठन सहयोग कर रहे हैं, और वो भी 2019 को लेकर के ही किया जा रहा है, और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उन चुनावों को लेकर के ही वहाँ पर उस प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की गई है। एक आखिरी सवाल है, गांधी जी और अम्बेडकर जी को? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं गांधीकारी जन नहीं हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को मानने वाला हूँ, और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के आदर्शों पे और माननीय साहब काशीराम जी के आदर्शों पे चलने वाला हूँ, और वही कार्य हम करेंगे जो भारतीय संविधान और समाज के तहत हम करते हैं। हम अपने समाज के मुद्दों को लेकर के आपसी भाईचारे के तहत ही कार्य करेंगे। और रही अहिंसा और हिंसा की बात, तो हम पहले प्यार से समझाते हैं, अगर कोई कार्य प्यार से नहीं होता तो फिर हथियार से भी समझाने में हम देर नहीं लगाएंगे। चमान साहब, आपने कहा था कि दलित मुस्लिम को लड़ाने में कुछ राजनीतिक शक्तियां साजिशें सामने आती हैं, और जो इस वक्त सत्तासीन है, तो आपका इशारा साफ साफ BJP की ओर है? इसमें राजनीतिक पार्टी बहुत हैं जो निचले क्रम से कार्य कर रही हैं, इसमें मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। विशेषकर आज के समय में BJP राज कर रही है, और BJP का मेन मकसद है कि दलित और SC ST को दबाया जाए और मुस्लिम समाज को दबाया जाए। वो आप देख भी रहे हो कहीं जगह कैसे कैसे गायों के नाम पे मारा जा रहा है और जाति प्रथा के नाम पे मारा जा रहा है। तो अगर ये लोग हमें हिंदू मानते हैं तो हमें मंदिरों में क्यों नहीं घुसने देते? हमारे ऊपर क्यों अत्याचार करते हैं? हमारे समाज के भाइयों को क्यों मारते हैं? क्यों बहनों को पीटते हैं? क्यों उनके बलात्कार की घटनाएँ बढ़ रही हैं? दलित और मुस्लिम के ऊपर ही क्यों अत्याचार हो रहा है? तो ये जुम्मा किसका है? ये भी जुम्मा भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जो व्यवस्था है उसका है, मगर जो आज के समय की व्यवस्था है उसको ये लोग करने में सक्षम नहीं है। और आगे हम इस सरकार को बदलने का कार्य करेंगे 2019 के अंदर। लेकर आज़ाद जी समाज के भाई हैं और हम सब साथ में मिलकर के कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनका संगठन आर्मी है, आपका संगठन सेना है। भीमसेना समस्त भारत संगठन जो कार्य कर रहा है वो भारतीय संविधान और एक रजिस्टर्ड संगठन के हिसाब से कर रहा है, और जो भीम आर्मी का संगठन है वो भी अपना कार्य अपने हिसाब से कर रहा है। हम भीम आर्मी और भीमसेना साथ में मिलकर के इस समय कार्य करने के लिए तत्पर हैं, और हर राज्य में भीमसेना भीम आर्मी साथ में मिलकर के कार्य करेगी।